वंदे मातरम, जय भारत। इस समय हम सिद्धि में हैं, वैद्यराज रतन और एक महान वैद्य से आपका परिचय करवाते हैं और सरकार ने इनको बहुत बार सम्मानित किया है और हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि इनको बड़े से बड़ा सम्मान दिया जाए। वैद्य जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। वैद्य जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। हरिओम। हरिओम। वैद्य जी सबसे पहले मुझे ये बताएं, हाँ, कि कैंसर को कैसे ठीक कर सकते हैं। है। कैंसर कई किस्म का होता है। कैंसर कैसे बनता है, पहले हर मर्ज कई किस्म के होते हैं जी, तो ये पता लगाना है कि कौन कैंसर है और कैसे बना है। जैसे लीवर में कैंसर है किसी को, अच्छा लीवर में कैंसर क्या खाने पीने से, क्या ठोकर लगने से, क्या धक्का लगने से, घाव बनने से, कैसे वो कैंसर हुआ लीवर में, उसका पहले मरीज को बुलाकर पहचान कर और जानकारी हासिल करके बिना मरीज के देखे हुए किसी को औसत मत दीजिए और जानकारी ले लीजिए, इसके बाद आप। अगर मरीज को खाने पीने की वजह से बना है, हाँ, तो क्या औषध हम देंगे? वास्तव में जितने मर्ज हैं सब खाने पीने से बनते हैं, और ये गैस की बीमारी से बनते हैं, तो ऐसा कोशिश पित्त के रोग हैं, पित्त की वजह से, पित्त विकृत होने से, ये ऐसा किया जाए संयम, सबसे बड़ा होता है संयम, संयम संयम और परम ब्रह्म का नाम, परम ब्रह्म का नाम और संयम, संयम जड़ी वसुंधरा की गोद में जितने जन्म लिए हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, ये अमृत तुल्य है, मानव कुछ नहीं है इनके सामने, हैं ये जगत जननी के गोद में ये सब अमृत तुल्य हैं। तो क्या क्या औषधियाँ देंगे, हैं जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी देंगे लीवर कैंसर में? जड़ी बूटियाँ जौन कैंसर होगा मरीज देखकर हम पहले पहचान लेंगे कि इसको इस तरह से हुआ, बिना मरीज देखे हुए किसी को औषध न देना चाहिए, कारण ये कि वही औषध फायदा की जगह में नुकसान भी कर सकती है। तो अगर रोगी को खाने पीने की वजह से हुआ है, हाँ, तो क्या औषध देंगे? खाने पीने की वजह से हुआ है, उसके लिए संयम, और सबसे बड़ा है त्रिफला, 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 हरड़ आंवला बहेड़ा, त्रिफला, ये दोनों, ये तीनों फल जो हैं ये वैद्य हैं, अमृत तुल्य हैं, हर्रा बहेरा आमरा, बराबर मात्रा में लेंगे या एक दो तीन अनुपात में? इसमें हर्रा का मात्रा कम रखना चाहिए, हर्रा बहुत हीटेड और गर्म होता है, ठीक है, हर्रा बहेरा आमरा इतना ही तीनों वैद्य हैं, आज कुछ नहीं रह गए, ये सब जंगल से कट गए हैं और जंगल सूना हो गया। आप में गृह ग्राम में लगाइए और प्रयोग करिए, आपने बाल बच्चों को न देखिए, पहले इनको देखिए, जो अमृत है संसार की उनको देखिए, संसार को जीवित जो रख रहे हैं। आपका संदेश बहुत अच्छा है कि संसार को जीवित रखने में वनस्पतियों का, पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है, तो सबसे पहले इनको देखिए, बच्चों से भी पहले इनको देखिए, इनको देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए आप जहाँ पर खड़े हैं, हाँ, यहाँ पे बेलपत्र शंकर भोले का और साथ में भोले का वृक्ष किसका है,
भोले शंकर का बिल। हाँ, यहाँ तक कि अमृत तुल इसके पत्ते तक इनके सिर में चढ़ रहे हैं। इनका सेवन और इनका सत्कार शंकर भगवान और ईश्वर कर रहे हैं कि आ जाओ, मंदिर कुछ नहीं है, अगर इनका सीख इनके सर पर पड़ गया इसकी हवा तो आप परम ब्रह्म के पास पहुंच गए। तो बहुत अच्छा वैद्य जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी।